लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण तक की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। दो चरणों की वोटिंग अभी बाकी है। तीसवीं दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट मनोज तिवारी के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के ऊपर चुनावी कार्यक्रम के दौरान स्याही फेंकी गई और उन्हें थप्पड़ भी जड़ दिए गए। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है उसकी पहचान रणवीर भट्टी के रूप में हुई है। रणवीर न्यू उस्मानपुर का रहने वाला है। बता दें कन्हैया कुमार 17 मई को आम आदमी पार्टी के न्यू उस्मानपुर कार्यालय से बाहर निकल रहे थे, इस दौरान ही उनके ऊपर ये हमला हुआ। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा कि मामले के दूसरे आरोपी को भी पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। कन्हैया कुमार ने इस घटना का आरोप भाजपा सांसद और उम्मीदवार मनोज तिवारी के ऊपर लगा दिया। उत्तरी पूर्वी दिल्ली के थाना उस्मानपुर के इलाके के करतार नगर में कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार को माला पहनाने के बहाने आए कुछ लोगों ने हमला किया। कन्हैया कुमार को इस शख्स ने थप्पड़ मारा। महिला निगम पार्षद ने पुलिस में शिकायत दी थी। बताया जा रहा है कि बैठक की मेजबानी आप पार्षद छाया शर्मा कर रही थी। बैठक के बाद जब छाया शर्मा कन्हैया को छोड़ने के लिए नीचे आई तो कुछ लोग आए और कन्हैया के गले में माला डाल दी। माला पहनाने के बाद कुछ लोगों ने कन्हैया पर स्याही फेंक दी। कन्हैया कुमार और उनके साथ मारपीट की कोशिश की गई। जब छाया शर्मा ने भी चुपचाप करने की कोशिश की तो उन्हें उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया और धमकी दी। आरोपी ने वीडियो जारी करके कहा कि हमने जो कुछ भी किया वो किसी पार्टी के कहने से नहीं किया, हमने अपनी श्रद्धा से कन्हैया को थप्पड़ मारा है। जो भी भारत देश का अपमान इंडियन आर्मी का अपमान करेगा उसके साथ यही होगा। आरोपियों ने कहा कि हमने एक उदाहरण सेट किया है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।